मध्य प्रदेश में उपचुनाव जीतने के बाद भी शिवराज परेशान हैं। उनकी परेशानी बढ़ी हुई है सिंधिया समर्थन तीन मंत्रियों की हार से। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं और सिंधिया का दबाव रंग लाता भी दिख रहा है। तो सिंधिया के दबाव में क्या फैसला लेने वाले हैं शिवराज, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी को 19 और कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली। 19 सीटें मिलने के बाद विधानसभा में बीजेपी बहुमत में आ गई। शिवराज सरकार अब अपने आप को सुरक्षित मान रही है, लेकिन उनकी परेशानी उपचुनावों में तीन मंत्रियों की हार ने बढ़ा दी है। ये तीनों मंत्री सिंधिया समर्थक हैं, जो 2018 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे, और सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा तो इन्होंने भी पाला बदल लिया और विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन उनके क्षेत्र की जनता को विधायकों का इस्तीफा देना पसंद नहीं आया, इसलिए उपचुनावों में ये मंत्री चुनाव हार गए। अपने करीबी मंत्रियों की हार से सिंधिया परेशान है और वो शिवराज सिंह चौहान पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि ये लोग मंत्री भले ही ना रहे, लेकिन मंत्री का दर्जा जरूर बरकरार रहना चाहिए। जी हाँ, सिंधिया ने शिवराज पर दबाव बना रखा है कि उनके समर्थकों को निगम और मंडलों में चेयरमैन बनाया जाए। शुरुआती आनाकानी के बाद अब शिवराज भी इसके लिए तैयार हो गए हैं। इसके संकेत इमरती देवी की ओर से भी मिलने लगे हैं। इमरती देवी शिवराज सरकार में मंत्री थीं और चुनाव में मिली हार के बाद उन्होंने शिवराज को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, और अब शिवराज सिंह उन्हें महिला वित्त विकास निगम का अध्यक्ष बनाकर मंत्री का दर्जा बरकरार रखने की तैयारी कर चुके हैं। इनके नाम की घोषणा कभी भी हो सकती है। इसके अलावा सिंधिया समर्थक कुछ और लोगों को भी निगमों में जगह दी जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को भी अपनी नई टीम बनानी है। उनकी टीम में सिंधिया समर्थक 4 से 5 लोग शामिल हो सकते हैं। पंकज चतुर्वेदी को बीजेपी प्रवक्ता और भांडेरा से विधायक रक्षा सिरोनिया को उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।